सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइफ्स। आज मैं आप सबके सामने बिल्कुल नया गैजेट लेके आया हूँ, जो कि है हमारे फ्लिपकार्ट पे मिल रही थी 10 to 14 अक्टूबर तक बिग बिलियन डेज से मैंने ऑर्डर्स किए हैं। तो ये रहा आप सबके सामने बिल्कुल नया बॉक्स, जो कि ये रहा आप सबके सामने बॉक्स जो कि मेरे पास डिलीवर हो चुकी है। तो आप सोच रहे हो कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है, तो जल्दी से जल्दी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये रहा रैपर जो कि मेरे पास डिलीवर हो चुकी है, तो चलो से करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्स। उसके लिए चाहिए मुझे नाइफ, तो यहाँ पे मैं नाइफ ले लेता हूँ और इस रैपर को अच्छे से कट कर लेता हूँ। तो ये रहा आपके सबके सामने ये बड़ा सा बॉक्स। आप देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें आपको क्या देखने को मिलती है। तो ये रहा, तो अब मैं करता हूँ बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स को ओपन करने के लिए आप इसे इजीली आप ऐसे उठाएं, ये अब धीरे धीरे स्लाइड हो रही है। तो ये रहा आप सबके सामने आईपैड, जो कि यहाँ पे आपको मिलती है काफ़ी बड़े स्क्रीन के साथ, जो कि आपको स्क्रीन साइज मिलती है 9.7 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दी गई है। तो सबसे पहले हम रखते हैं आईपैड को साइड में और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डिज़ाइनिंग बाय एप्पल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको मिलते हैं वेलकम टू आईपैड। आप देख पा रहे होंगे कुछ ये वेलकम टू कुछ आपको एप्पल्स के स्टिकर्स दो आपको देखने को मिलती है और कुछ इसकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इसकी चार्जर, जो कि काफ़ी नई लुक की दी गई है यहाँ पे। और ये रहा इसका मेन, जो कि आपके पावर बोर्ड में अटैच होती है, ये आपको इजली ऐसे आप ऐसे जो है वो अटैच होने वाली है। और साथ में आपको देखने को मिलते हैं ये डाटा केबल, जो कि इसके फास्ट चार्जिंग करने में आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम बॉक्स को करते हैं साइड में और चलते हैं मेन। तो ये रहा आपका सबके सामने मेन आईपैड, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक की आपको देखने को मिलती है। बैक साइड में आपको देखने को मिलती है एप्पल की लोगो, जो कि काफ़ी बड़ी लोगो दी गई है और इसमें कुछ। तो सबसे पहले मैं इस रैपर को इसे रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 9.7 सेंटीमीटर के फुल एचडी डिस्प्ले, साथ में आपको नीचे की ओर देखने को मिलती है एप्पल की होम बटन, जो कि आपको सभी एप्पल के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी। टॉप पे आपके देखने को मिलती है, बैक साइड में आपको देखने को मिलती है एप्पल की लोगो, नीचे की ओर आपको देखने को मिलती है वॉल्यूम स्पीकर ग्रिल और साथ में चार्जिंग पोर्ट। टॉप पे आपके देखने को मिलती है पावर बटन एंड 3.5 ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड में आपको कुछ देखने को कुछ नहीं मिलती है और जस्ट राइट साइड में आपको देखने को मिलती है वॉल्यूम लॉकर्स अप डाउन। तो अब मैं करता हूँ इस फ़ोन को बूट। तो चलिए अब हम करते हैं आईपैड को मेन बूट। तो यहाँ पे आप आईपैड काफ़ी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 9.7 सेंटीमीटर की फुल एचडी डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले वो ऑन हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अब साथ में आपको मैं दिखाता हूँ इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। ये रहा इसका बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ लेके आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि है आपको 0.2 मेगापिक्सल की। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है आपको। अब मैं चलता हूँ फ़ोन के सेटिंग में, आईपैड के सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपको
इंटरफेस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिलती है बैटरी, आपको लियोन की आपको बैटरी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है आप सबको। यहाँ पे आपको मिलती है ISO 11 देखने को मिलती है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको मिलती है 32 GB की रोम आपको मिलती है। इंटरनल स्टोरेज आपको भी 32 GB की मिलती है। यहाँ पे आपको सारी स्पेसिफिकेशन आपको कमाल की देखने को मिलेगी। साउंड आपको मैं इसकी साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बेटर साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। साउंड आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। साउंड में आपको बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रही है। यहाँ पे आप जनरल मोड में जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं अबाउट में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगी इसकी क्या क्या कैपेसिटी आपको मिलती है। 32 GB की आपको कैपेसिटी मिल जाती है। एप्लीकेशन 8 एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं। अवेलेबल मेमोरी आपको मिलती है 22.56 GB। वर्जन आपको मिलती है 11.4.1। मॉडल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है MRZN2HNA। सीरियल नंबर आपको देखने को मिलती है वाईफाई एड्रेस ब्लूटूथ सीडी लेजेंड्स। यहाँ पे आपको टच आईडी एंड पासवर्ड में आपको मिलती है। फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलती है जो कि कुछ इस प्रकार। यहाँ पे मैं ऐड फिंगरप्रिंट करता हूँ। ऐड फिंगरप्रिंट करने के लिए आपको होम बटन पे आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना होगा जो कि आपके फिंगरप्रिंट यहाँ पे स्कैन हो रही है आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ इसमें आप 3 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। चेंज पासवर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीलोडेड ऐप्स आपको देखने को मिलती है जो कि है आईपैड की तरफ से। नीचे की ओर आपको देखने को मिलती है मैसेजिंग सीरी म्यूजिक मैसेज बॉक्स कैमरा फोटो एंड सेटिंग्स आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। तो कुछ स्टेप से देखना, यहाँ पे आप इजीली आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो और पावर ऑन ऑफ के टाइम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप पावर ऑन इजीली आप स्लाइड करके पावर ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पावर जो है वो ऑफ। तो आई होप अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगा कुछ नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।